अली साहब कहा जाता है कि मीशत के लिए जनरल्स तो अच्छे होते हैं इज दैट ट्रू हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये देख सकते हैं ना तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालें पाकिस्तान के डिक्टेटर्स और डेमोक्रेट्स का तो डिक्टेटरशिप्स में वेरिएशन ज़्यादा होती है यानी बहुत बुरे टाइम और बहुत अच्छे टाइम दोनों में ज़्यादा आए हैं लेकिन ऑन एवरेज हैव नॉट डन बेटर अच्छा लेकिन लोग तो इमरान खान साहब अभी तो जनरल बाजवा इनको बहुत बुरे लग रहे हैं लेकिन अयूब खान के तो बड़े गाने गाते हैं कि देखें उस जमाने में कोरिया ने हमारा फाइव ईयर प्लान ले लिया लेट्स लेट्स टॉक अबाउट अयूब खान फर्स्ट वो तो कहते हैं जी इंडस्ट्री का पहिया चल रहा था पाकिस्तान जो था वो एशियन टाइगर बन गया था आप कह रहे हैं कि उनका भी वैसे ही दौर था जैसे बाकी सबका था तो साहब ने रूल किया फिफ्टी से सिक्सटी तक बिल्कुल ठीक है और अगले तीन साल यहाँ थे पहला तो सवाल ये उठते है कि अगर वो इतना अच्छा टाइम था तो इन थ्री ईयर्स पाकिस्तान टूटा क्यों? बिल्कुल ठीक वेस्ट पाकिस्तान में यानी मौजूदा पाकिस्तान में एजुकेशन का ग्राफ ऊपर जा रहा था ठीक है और उसी दौरान ईस्ट पाकिस्तान में एजुकेशन का ग्राफ नीचे आ रहा था अच्छा इसी के साथ जो पूरे मुल्क के रिसोर्सेज थे वो तकरीबन तो सत्तर फीसद यहाँ लग रहे थे और तीस फीसद आप कह रहे हैं मशरक़ी पाकिस्तान uh, एक माशी मसला, मसला भी था और ये जो कहते हैं ना कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से हमारे जूट की बू आती है वहां पे नारा लगाया था मुजीब ने तो ये इसमें क्रेडेंस है आपके पास आपने स्टैट्स देखे हैं जिसमें ये नज़र आया है आपको अच्छा इसमें बिल्कुल ये करेक्ट बात है उसका एक जो उसका रोल दूसरा ये था कि हमें अनयली हाई फाइनेंशियल एड मिल रही थी द द वेस्ट अगेन फ्री डॉल अगर हम इस चीज को जहन में रखें कि एड कितनी आ रही थी तो मेरा ख्याल है अयुब साहब ने कुछ तो चीजें सेटअप करना शुरू की लेकिन जो एक मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर मेजर गलतियां भी की ठीक है अब इसका फाइनल असेसमेंट करना आ, लेकिन मुश्किल है लेकिन आई वुड से कि बहुत कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस जो कि आजकल मानी जाती है अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो मुल्क आधा कैसे रहेगा बहुत अच्छा सवाल है और अगर कुछ आपको नज़र आ रहा था वेस्ट पाकिस्तान में तो इसकी वजह यह थी कि दो मुल्कों का पैसा एक मुल्क में लग रहा था क्या ये कहा साथ? जा सकता है

वेस्ट पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान में एक तो ये थी कि बेतहाशा डॉलर्स का फ्लो हो रहा था हमारे अमेरिका के साथ अलाइंड होने की वजह से तो लिक्विडिटी अच्छी हो गई थी और दूसरा ये था कि जो लिक्विडिटी थी वो जो ईस्ट और वेस्ट की दोनों की मिलाकर लिक्विडिटी थी उसका पचहत्तर फीसद सिर्फ वेस्ट पर लग रहा था ऐसे ही है और मैं लेकिन ये भी कहूँगा कि उन्होंने इदारों पर काम किया ऑफकोर्स इसमें एक उन्होंने बड़े एफर्ट के साथ जो प्रोजेक्ट्स बनते थे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे उनके ऊपर वर्किंग होती थी जो आजकल नहीं होती और एक सीरियसनेस uh, सीरियसनेस के साथ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मैं फेलिंग ग्रेड तो नहीं दूंगा hmm. लेकिन मेजर मिस्टेक मे बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री लेट्स टॉक अबाउट मर्द मोमिन मर्द हक जया हक जया हक सर जी फिर एक एट परसेंट की ग्रोथ नज़र आ रही है मैं, मैं देखता हूँ कभी सेवन परसेंट की ग्रोथ नज़र आ रही है तो जिया साहब तो डेफिनेटली सर मीशत को तो उन्होंने दौड़ा दिया था वट यू थिंक अच्छा जया साहब को ना अगर आप कंसिडर करें तो पहली अगेन वो बात है कि मीशत और माशरे को आप अलग नहीं कर सकते कभी और जया साहब का माशरे पे असर जो था असल डिबेट वहाँ है मैं मीशत पे बाद में आता हूँ लेकिन तो सबसे पहले ये कि एक इकॉनमी के चलने में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है अगर आपकी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो मीशत बहुत एक चलेगी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी वगैरह वगैरह जिया साहब के वक्त में ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे इदारों को हमारे पुलिस को ये कहा गया कि कुछ ऐसे ग्रोह हैं कुछ ऐसे फिरके हैं जिनको जिनको कानून के दायरे में ना रखा जाए उनको करने दिया जाए वो कार्य बल्कि जो इनके बारे में वो जो मैं आपको बुक का हवाला दे रहा था उसमें पहला जो सेंटेंस मैंने पढ़ा वही था कि जया साहब के दिमाग में और बहुत मसले थे इकॉनमी उनमें से नहीं था आया अच्छा दूसरी जो चीज़ मैं उनके तो एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर का है सेकेंड जो मेरे जहन में बात आती है वो ये है कि उनका हमारे सोशल फैब्रिक पे जो असर था और ख़ास तौर पे जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि एक मुल्क के लिए अहम है कि वो अपनी एक शनाख्त पैदा करे वो जो शनाख्त है वो आती है आपके आर्ट्स एंड कल्चर से और यूनिवर्सिटीज़ में जहरा साहब के ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ की रेपोटेशन शायद आप जानते होंगे कि वहाँ और खबरें हैं सब कुछ है और वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी उस, उस तरह रिकवर नहीं की बिल्कुल ठीक बात सो so, सेकंड चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटीज को डैमेज करने में उनका बड़ा हाथ था इकॉनमी में उन्होंने वही डॉलर को जबरदस्ती नीचे रखने की कोशिश की कोशिश की Um, और मुझे ज्यादा साहब के बाद एक एरा में एक इंटरेस्टिंग बात ही नज़र आती है कि उनके दौर में चाइना जब जिस साल वो इकदार में आए हैं एक एवरेज चाइनीज़ की इनकम एक पाकिस्तानी की हाफ थी ऑलराइट सेवन right, और जिस साल उनका जहाज गिरा है एक चाइनीज़ और पाकिस्तानी बराबर खड़े थे और एक आखिरी चीज़ ये कि उन्होंने कर्जे जो ऑलरेडी लेना शुरू ले हो गए मेरा अगला सवाल यही था वो कर्जे लेने की रफ्तार में थोड़ी तेजी आई तेज़ी आई क्या ये वो कह सकते हैं हम कि ये वो पहला दौर है कि जब हमें कर्ज की जो मैं है उसका मज़ा सही तौर पे हमें चढ़ा हम उस मैखाने के आधी कस्टमर बने हम आधी पहले हो चुके थे अच्छा हो चुके थे पहले अयुब साहब नहीं तो भुट्टो के जमाने में तो हो बिल्कुल में हो बिल्कुल बिल्कुल भुट्टो के ज़माने में चुके थे तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स हमें नज़र आते हैं ये उनकी कारदगी के नहीं है ज़िया साहब के अगेन हमें अमेरिकन वॉर का हिस्सा बनने की वजह से एक इंजेक्शन मिला एक बूस्ट हमें मिला हमें हाई ऑक्टेन फ्यूल डाला गया भी हमारे भी। अंदर जो हमारा नहीं था हमारा कमाया हुआ नहीं था अली साहब लेट्स टॉक अबाउट जनरल मुशरफ मुशरफ साहब का भी इंतकाल हुआ है कौन उनके बारे में डिवाइडेड है इस्पेली कराची में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ मुशरफ साहब को लेकर बड़े स्ट्रॉन्ग जज्बात होते हैं लोगों के लोग कहते हैं बड़े कमाल के आदमी थे मीशत को बड़ा सहारा दिया बहुत नौकरियाँ दी देखे ना Uh, कितनी तरक्की हुई uh, और ये तो भी हाल की बात है देखिए ज़िया ने क्या किया शायद मैं और आप हम किताबों में तो देख सकते हैं उसके असरात हमने फील नहीं किए अयूब uh, तो खैर बहुत पहले की बात है मुशरफ साहब के दौर में हम सब गुजरने ज़िंदगी गुजारी है गुड बैड एंड द अगली ऑफ जनरल मुशरफ इकनॉमिक पॉलिसी ओके मुशरफ साहब का देखिये गुड तो स्टेबिलिटी थी इस दौरान एक खत्म किया, किया गया और उसके अंदर यह एक साल कि हमने कशकोल अच्छा, का एरा अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो पहले चार साल और आखिरी चार साल बड़े नीटली डिवाइडेड है अच्छा पहले चार साल के अंदर सब चीजें बेहतर हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था हालात बाहर के ठीक थे ठीक है तीन तक दो से चार तक ठीक है और आखिरी तीन चार साल जो थे वो यानी जितना ऊपर गए थे आप लिटरली ग्राफ उठा के जितना थे, उतना ही नीचे आए थे उसके भी को आपने उन पहले सालों के अंदर डॉलर कुछ बचाया कुछ आपने अपना एक, एक हेल्थ बनाई तो वो उनके आपको याद होगा जिस साल वो गए उस साल डॉलर एकदम सात सौ छियासी भी गया था बिल्कुल ठीक है तो वो काफी हद तक प्रेशर जो उन्होंने रोक के रखा था मसमूरी तौर पर ये वो था दूसरी चीज जो अगली अगर, अगर आते, अगली ये है कि आप एक डिक्टेटर हैं तो आपको हमने एक डिफरेंट लेवल पर रखना है डेमोक्रेसी से क्योंकि आप कानून कर आए आपने एक नेगेटिव काम किया कॉन्स्टिट्यूशन को खराब किया तो फिर उसका उसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए ठीक है अगर आप सिर्फ डेमोक्रेट के मुकाबले की गवर्नेंस करें तो उसमें तो कोई फन नहीं है बहुत आला तो अब आके देखें कि टैक्सेशन का क्या हुआ अब आके देखें कि पुलिस सिस्टम का क्या हुआ अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ एजुकेशन का क्या हुआ और इनको बारी बारी देख लें ठीक है टैक्स टू तो जीडीपी डी रेशो डिड नॉट इम्प्रूव अच्छा इन फैक्ट ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब हमने टैक्सेस ट्रेडर्स पर लगाए तो एहत हो गया और कुछ मार्केट्स में लाहौर लाहौर में कुछ मार्केट्स नो गो एरिया बन गई और हमें रुकना रुकना पड़ा तो तो यार यार अगर आपने रुकना था तो डिक्टेटर किस चीज़ के थे बिल्कुल ठीक बात है अच्छा दूसरी जो चीज़ बड़ी है उनके बारे में आम डिस्कशन पॉइंट है कि मुशर्रफ साहब ने एनर्जी के ऊपर कुछ नहीं किया ना ट्रांसमिशन लाइंस को की जो लाइन लॉसेस थे उनको ठीक किया ना बिजली चोरी रोकी ना प्लांट्स लगाए और सी एन जी बांट दी अच्छा और मेरे नजदीक एक बहुत जो मेजर किसी मीशत का है कि बुनियाद में आपकी पुलिस सिस्टम है तो मुझे आप बताएं कि नाइन्टी कितने तरह नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन में जब वो आए वो साल ले लें और दो हज़ार आठ ले लें इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरफ रखते हैं एक मिनट के लिए क्योंकि वो मैं बयान कर चुका हूँ वो बाहर से वो आ रहे थे रिसोर्स आ रहे थे मुझे ये बताएँ कि अगर आपके टैक्स ठीक नहीं हुआ अगर आप एक्सपोर्ट आपने बढ़ाई नहीं जिसकी हमने बात नहीं की अगर आपने एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया अगर आपने पुलिस ठीक नहीं किया तो आप करने क्या आए थे मेरा तो सवाल है वो पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया फिर अच्छा और एक और चीज उन्हीं के जमाने में जो ये रियल एस्टेट बबल बना है जिसके ऊपर सारी हमारी इन्वेस्टमेंट हाँ, जाती है अगर आप हमारे सेविंग्स रेट निकाल के देखें कि हम इन्वेस्टमेंट किधर कर रहे हैं वो एक वक्ति तौर पे केसी या पीएसएक्स के अंदर एक बबल आया क्रैशेस देखे मुशरफ दो बड़े क्रैशेस 2005 और जब मार्केट में लिटरली वाइप आउट हुई थी, थी चीज़ें अलताफ़ हुसैन साहब ने कहा था माँ स्टॉक मार्केट बंद कर दो 2008 में मुशरफ़ के दौर में दोनों तो ओवरऑल आप उनके बारे में जो मर्ज़ी राय रखें वो ज़ाहिर है हर किसी का अपना वो है लेकिन आ, मुझे मुशरफ साहब के ज़माने में कोई रिफ़ॉर्म नज़र नहीं आया इकनॉमिक रिफॉर्म नहीं नज़र आया और आ, कम अज़ कम एक्सपोर्ट्स में सवियर डिक्लाइन आया बिल्कुल ठीक है सर अब एक चौथे जनरल की बात करेंगे बरह रास्त तो उन्होंने मुल्क पे हुमरानी नहीं की लेकिन उनके जेरे नगी जेरे उनके साथ काम करने वाले दोनों आजम कहते हैं कि जी मामला तो जनरल बाजवा ही चला रहे थे नवाज शरीफ ने पहले कहा था अब खान साहब भी कह रहे हैं कि he was a super king. So, let's talk about कमर जावेद बाजवा देखिए मैं क्या हुआ इनके छः सालों में 2016 से 2022 पाकिस्तान के साथ क्या हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग मसला है कि फौज में एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर क्रिएट हुई है कि इंडिया 91 में रिफॉर्म कर गया और अब वो हमसे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं यानी कई सालों में वो जो अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाते हैं वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा होता है और कई साल ये एक साल की बात नहीं तो फौज में एक ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि नाव और नेवर हमने इकोनॉमी को ठीक करना ठीक है लेकिन उसके साथ साथ एक वक्त के साथ साथ और ये जो आ, आर्मी फैमिलीज़ के लोग हैं वो भी इसको वो ये आम बात है इसमें कोई आई थिंक डिबेट की नहीं है आम, वक्त के साथ साथ आर्मी के अंदर एक कमर्शलाइजेशन का आपने एलिमेंट देखा जो डी एच एज हैं और मजीद इनके एंटरप्राइज हैं, हैं। बिजनेस हैं वो जो कि एक मसनू तर्ज़ पे चल रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है हम उस पे डिस्कशन कर उस सकते कंपटीशन में है ही नहीं जिसमें बाकी सब हैं आप उनको राइट्स ऐसी दे देते दे हैं और आप उनको सपोर्ट इतना देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तो बात है वो खत्म हो जाती है लेकिन और उसमें पॉजिटिव भी होंगे आई एम श्योर लेकिन ये एक चीज बना दी तो अब मैं ये नहीं समझ सक रहा कि क्या वो वाकई ये अब हिम्मत रखते हैं मुल्क को ठीक करने की कि नहीं अगर हम ये बात इग्नोर करते हैं कि उनको आना चाहिए कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक बड़ी क्लियर बात है वो, वो, मैं तो कहूंगा लेकिन, लेकिन लेकिन सो so मैं ये बस एक मंजर सेट कर रहा हूँ कि शायद बाजवा साहब एक नेक नियति में ये शायद समझते हों कि आ, हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली एक, एकनौ, इंप्रूव करना है ठीक है इस इन के जमाने में मैं एक बात पे काफी क्लियर हुआ हूँ कि या इधर आओ या उधर आओ भीष्मना अगर एक डिक्टेटर होता है कंप्लीट डिक्टेटर तो वो कम अज कम उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर नहीं रह रहा होता जो कि एक सियासतदान को होते है मिसाल के तौर पर अगर दो बड़ी जमातें हैं जिनकी जो, जो एक के ऊपर दूसरी कम्प्लीटली नहीं आ रही तो वो कई दफ़ा एक एक पार्लियामेंट में ग्रेड लॉक में चली जाती है ठीक है या ओवर पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट बन जाती है तो एक डिक्टेटर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है लेकिन एक असूली तौर पे जो एक सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट एक फ्री कंट्री के लिए होना चाहिए उसके लिए उसके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं, नहीं। फिट होती तो दूसरा मॉडल ये है कि आप एक डेमोक्रेटिक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह चलें तो जब एक हाइब्रिड रिजीम आती है उसमें क्या होता है कि आप कर, अपने काम करवाना चाह रहे होते हैं और आपके पास आ, स्टेट के कुछ

पॉजिटिव्स भी हैं ये नहीं कि बिल्कुल ही फारे बिल्कुल ठीक है तो पहले तो सवाल है अगर आपको लगता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो अगर आप चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो आप कहोगे इसको ठीक करना है बिल्कुल ठीक है आपका काम ये क्लियर काम है जब आप हाइब्रिड में हो तो फिर आपको मरोड़ तुरोड़ के और वो एक जिसको आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं है। ना खुदा ही मिलाना सनम एग्जैक्टली अच्छा सेकंड चीज़ ये है कि अगर 2018 के प्रोजेक्ट में ये मेडलिंग ना होती तो काफ़ी लोगों का ये ख़्याल है कि शायद नवाज शरीफ जीत जाते थे ठीक है नवाज शरीफ पिछले चार पाँच साल से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट किए बैठे थे उसमें मेजर मसाइल थे उसमें से एक बहुत बड़ा ये था कि आपने सी को बिल्कुल प्लानिंग के बगैर बहुत गलत तरीके से चलाया और उससे एक बोझ पैदा हुआ जो कि बाद में निकलना था दूसरा आपने प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाए जिनकी मेरे नज़दीक तो कोई फिजिबिलिटी नहीं थी मिसाल के तौर पर आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑलरेडी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा था आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट इतना बड़ा बना दिया कि वो आधा खाली पड़ा रहता है वन बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट तकरीबन यू वो टेक इसी तरह और कर्जे देकर कर, वो काम किए जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं तो एक वनबिलिटी क्रिएट हुई फ्यूचर आई एम एफ प्रोग्राम बने और सबसे बड़ी चीज़ ये कि डार साहब की सौ सौ पर रुपये सौ रुपये पर डॉलर को रखने की जिद जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मुशरफ साहब की साठ रुपए पर रखने की जिद से एक्सपोर्ट हमारे पंद्रह से बारह फीसद पर आए उससे थोड़ा सा रिकवर किए थे डार साहब की जब आए थे तो तेरह फीसद पर था और जब गए तो आठ फीसद पे था। तो इन दोनों ने मिलकर मुशरफ साहब नाइन्टी नाइन में आए थे तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ जी डी पी वक्सपोर्ट डार साहब जब दो हजार सत्रह में गए तो पर एक पर एक गी। गी। परसेंट जो कि अभी तकरीबन आठ से नौ दस परसेंट इस रेंज में आ गई है और आपने पर्मानेटली कह लें डेज की आपको याद होगा कि खैर उस जमाने में नहीं बट उससे पहले बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री सुना के उठ के बांग्लादेश रही थी टेक्सटाइल का बिजनेस लूज बिल्कुल था। हुआ था इसी तरह डार साहब के ज़माने में एक्सपोर्ट पर एक नुकसान तो, तो फिर तो अच्छा किया मेडलिंग करके नहीं देखें अगर आप मेडलिंग कर दे रहे हैं तो पूरे कर देंगे ना सॉरी अगर आप उनको चलाने दे रहे हैं तो उनको पूरी तरह चलाने दे मतलब अगर वो रहे होते तो अभी उनके पास एक बयानया ये दे दिया कि 2017 में उनको इंटरफेरेंस से निकाला गया ठीक है 2018 में इनकी गवर्नमेंट चली गई इनके पास एक جواز पैदा हो गया कि ब्लेम किसी और पे थ्रो करते हैं आप यू गिव देम एन एस्केप गोट दे दिया जो जो वो नुकसान क्रिएट करके गए थे वो तो आना ही आना था लेकिन अगर उनके हाथों में इक्तदार होता जब वो आता तो वो एक दूसरे को कह ना सकते अजीब और शायद उससे हमारी आवाम में एक शोर पैदा होता और एक आगाही पैदा होती कि यार सौ पे रखना कोई इतना अच्छी चीज़ नहीं थी शायद उन्होंने ये जो हम गुफ्तु को बड़ी खिचड़ी पक गई ना तो ये खिचड़ी ना पकती अच्छा उसी तरह जब ये दो अभी इक्कीस एक एक में बाईस में सॉरी बाईस में दो हज़ार इक्कीस में जब आई एस एचीव का मामला शुरू हुआ मैं ठीक है एक साल तक हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई पॉलिटिकल एक अजीब किस्म मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल में ख़त्म हुआ नहीं नहीं वो तो बात हां बिल्कुल सही टाइम तक ओके तो एक ये पॉलिटिकल इनसेबिलिटी इतनी आ गई कि कोई बिजनेस कोई एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और उसके पीछे अच्छा इमरान खान साहब ने कोई इतनी ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं किए थे बट एक स्लो एंड सी गवर्नमेंट कर रहे थे कोरोना वायरस के दौरान कुछ गलतियां की गलतियां की वो उस पर हम आते लेकिन आम, जब ये बात क्लियर हुई कि पोलिटिकली वो इनस्टेबल हो गए तो उन्होंने फ्यूल सब्सिडी लगाई बिल्कुल अच्छा आई प्रोग्राम के वादों को तोड़ा और इम्पोर्टेंटली जो अगर अब आपने इस दफा इमरान खान को बिठाया था अगर आप उनको चलने देते इलेक्शन तक तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि प्रोबेबलीट वो out. हार जाते oh, रहे थे। तो आप एक सियासी निज़ाम में लोगों को लर्निंग नहीं करने दे रहे आप इतनी खिचड़ी पका रहे हैं कि किसी एक मुजरिम की तरफ उंगली नहीं उठती जब उससे पहले उठती है उठती। वो हीरो बन जाता है आपका ठीक है लेकिन इस दफा तो उंगली उनपे उड़ गई ना इस दफा तो एक फर्क हुआ ना हाँ अच्छा इनके ऊपर आई ये उनके ऊपर आने से देखें आ, आ, ये जहन में रखें कि हम किसी एक जनरल को या किसी एक ग्रुप को जितना मर्जी बुरा बुला के एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन तो पाकिस्तान की है बिल्कुल सही बात है। तो जब एक लीडरशिप चेंज होती है तो एक नेचुरल और मेरे नज़दीक राइटफुल एक आप मार्जिन ऑफ एरर देते हैं या एक आप ग्रेस uh, देते हैं अगले को कि आप एक फ्रेश स्टार्ट लें ठीक है और उसने अपने आप को प्रूव करना है सो so, मुझे कोई इतनी उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आई इम्प्रूव अच्छा उसके बाद um, मुझे जो एक हैरत होती है बाजवा साहब की लीक हो गई थी वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है uh, 50 मिलियन डॉलर्स की वर्थ थी तकरीबन जी मैं उस दिन की स्टोरी थी फैक्ट फोकस की मैं उस दिन जाके देख रहा था कि अमेरिकन आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ की नेटवर्क क्या है अच्छा यू दैट डेटा इज अवेलेबल जो वो कंप्लीट डेटा नहीं है लेकिन जो नज़र आता है वो समझ ही आई कि एक दो के जिनकी कोई और ये क्लियर डेटा नहीं है बट

तो इसके ऊपर हम सविलियंस के बारे में भी डिस्कशन करते हैं लेकिन टू द एक्सटेंट उन्होंने खुद 2018 में कहा कि हमने 2018 के बाद शायद ये कोई इनका बयान था कि 2018 21 के बाद 2021 इक्कीस के बाद हमने नहीं इंटरफियर किया इसका मतलब उससे पहले कर रहे थे तो सत्रह से इक्कीस में कुछ तो हिस्सा बैड परफॉर्मेंस का उनके साथ आता है तो इसको आप यहाँ समझ लें अयूब खान के दौर का अगर इतना ही अच्छा दौर था तो तीन साल बाद पाकिस्तान क्यों टूटा जिया के दौर में अगर इतनी इकनॉमिक ग्रोथ हुई तो फिर पाकिस्तान में इतनी शदीद मुआशी बदहाली और बदमनी क्यों आई मुशर्रफ साहब का दौर अगर इतना सुनहरा दौर था तो 2008 में ही पाकिस्तान को आईएमएफ के दरवाजे पर फिर क्यों जाना पड़ा वो एक कहावत है कि क्वेश्चन ओपन द माइंड अ स्टेटमेंट क्लोज इट पाकिस्तान को बहुत सारे सवाल की जरूरत है अक्सर जवाब का ना होना अच्छी बात होती है कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की मीशत से मुतक हर वो सवाल करें जो आज तक नहीं किया गया है और जानने की कोशिश करें कि इसका जवाब क्या हो सकता है थैंक यू वेरी मच फॉर वालेकुम